अरे फेर जी सी से आप सब लोग कैसे हैं फ्रेंड। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी बहुत आज ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे बाबा की आज निकलने वाली है निशान यात्रा। बहुत ही भव्य निशान यात्रा निकल रही है मेरे बाबा की। तो फ्रेंड मैं आपको वहाँ ले चलूँगी और दिखाती हूँ कितनी भव्य यात्रा है। मुझे बहुत टाइम से इंतजार था फ्रेंड। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी में बयान नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे फैमिली मेम्बर हो तो मैं बोल रही हूँ आपसे। तो फ्रेंड हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे निशान यात्रा में किस तरह का निकल रहा है तो दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए फ्रेंड फिर निशान यात्रा में मिलते हैं। हम निकल चुके हैं वहाँ के लिए जहाँ से हमें निशान उठाना है और फिर मैं दिखाती हूँ आपको बहुत सारे निशान है तो कैसे कैसे भगदड़ मचती है। फ्रेंड तीसरे नंबर का जो दामाद था वो लेके आ गया था गाड़ी। तो हम तीनों गाड़ी से वहाँ गए जहाँ रामलीला ग्राउंड में जहाँ बाबा की निशान यात्रा जहाँ से निकलती वहाँ पहुँचे। दोनों गाड़ी से फ्रेंड बहुत स्वागत हो रहा मेरे बाबा का। सबको मिलना शुरू हो गए निशान। और देखिए हाथों में सबके निशान हैं और जेंट्स कम थे लेडीज बच्चे ज़्यादा दिख रहे थे। और ये देखिए हम लोग के हाथों में निशान पगड़ी बाबा की नाम की और पटका। और बहुत ही खुशी हो रही थी कि बस हम बयान नहीं कर सकते आपको कि क्या खुशी। हमारी निशान यात्रा प्रारंभ हो चुकी है फ्रेंड और बस हम लोग सब रेडी हैं चलने के लिए निशान लेकर। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। जिनके हाथों में निशान था वो सब अंदर गए। तो पहले जो निशान जो ले रखा था तो हमने बाबा को अर्पित किया। उसके बाद फिर जो गोला था गोला वहीं चढ़ा के और निशान लेके फ्रेंड अपने अपने घर पहुंचे सब लोग। देखिए आपने शोभा यात्रा बाबा की तो आपको बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड। इतनी थकान हो गई थी कि मैं आज सुबह बहुत लेट उठी हूँ और पूरे मतलब पैरों में बहुत दर्द हो रहा क्योंकि मैं नंगे पैर बाबा का निशान उठाया था मैंने। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि चप्पल पहन के बाबा का निशान उठाया जाए। तो बहुत कंकड़ चुभे फ्रेंड। इतना पैरों में दर्द है कि बस क्या बताऊँ। कोई नहीं बाबा की जो इच्छा और बाबा ने बहुत शक्ति दी कि मैं यहाँ पे आ सकी। तो फ्रेंड हम गए थे रामलीला ग्राउंड में। तो वहाँ पर लगभग 3 घंटे तो फ्रेंड हम लोग वहाँ खड़े रहे। 2:30 3 बजे गए थे तो 5:45 बजे वहाँ से निशान यात्रा प्रारंभ हुई। और फिर होते होते फ्रेंड मंदिर में हम 10:45 बजे मंदिर में आए। फिर वहाँ पर निशान चढ़ाया और फिर निशान मतलब बाबा को छुआ के वैसे जो नारियल होता है ना फ्रेंड तो वो बंधा हुआ था ना वो खोल के मंदिर में ही जमा करना पड़ता है। तो वो फिर निशान खाली हमें मिल जाता है और मोर पंख जो लगा रहता है उसमें फ्रेंड तो वो हमें मिल गया था। तो बस मैं वो घर घर पे जाके लगता है। तो अभी मैंने नहीं लगाया है शाम के टाइम लगाऊंगी फ्रेंड। अभी तो बहुत थकान सी हो रही है थोड़ा फीवर सा भी लग रहा है। तो फ्रेंड आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो फ्रेंड जरूर कमेंट करके बताइएगा। जिसे सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल है मेरे बाबा का बहुत ही विशाल कीर्तन होने वाला है तो उसमें मैं फ्रेंड लाइव भी आऊँगी। नाइट में ही लाइव आऊँगी क्योंकि नाइट प्रोग्राम चलेगा।
तो लगभग मैं 10 बजे के समथिंग लाइव आऊँगी, तो 1 घंटे के लिए आऊँगी, ज़्यादा नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरा बैटरी एकदम डाउन हो जाती है। तो फ्रेंड अगर अब मैं कर रही हूँ यहीं पर ही एंड कर रही हूँ इस ब्लॉग का, तो मिलेंगे कल बाबा के कीर्तन में। ओके फ्रेंड, बाय बाय, जय श्री श्याम।